साफ सुथरा बात बताओ, एक सेकंड साफ सुथरा बात बताओ कि तू पति के साथ रहू कि देवर के साथ रहू? हम देवर साथ रहे। बिल्कुल नहीं था। अच्छा, आई लव यू बोलना कहाँ तक गलत है? हम आपको बोलते हैं आई लव यू यार, गलत यू टू। जो कैमरे वाले भैया चला रहे हैं उनको बोल रहे हैं यार आई लव यू, क्या गलत है? भावनाओं अलग अलग होती है। तो दोस्तों, अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू का विवाद जैसा कि आप जानते हैं कि आए दिन बढ़ते ही जा रहा है। स्टेज शो जब भी होता है तब कभी अनुपमा कुछ बोल दे रही हैं बिक्कू को, और कभी बिक्कू अक्षरा सिंह के साथ मिलकर कुछ बोल दे रहे हैं अनुपमा यादव को। और कल तो अक्षरा सिंह गिर ही गए स्टेज पे। इसलिए कहा जाता है कि दो लोगों के बीच में कभी तीसरे को नहीं आना चाहिए, वरना यही हाल होता है। लग गई ना अनुपमा की बद्दुआ। यार अभी हम लोग बात करने वाले एक इंटरव्यू के बारे में जिसमें अनुपमा यादव ने काफी कुछ कहा है। चलिए आपको शॉर्ट में दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है सारे विवादों के ऊपर, आप खुद देखिए। कबूल है, लेकिन बयानबाजी तो उसी तरीके से हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं, रिश्ता कभी खत्म हो। शिव कुमार बिक्कू जाते हैं तो आपके खिलाफ बोलते हैं, और आप स्टेज शो करने जाती हैं तो आप उनके खिलाफ बोलती हैं। हमने बोला ना, वो बोलना छोड़ो, तुम कल से नहीं उनके बारे में बोलेंगे। हमको इतना इनकम को फुर्सत ही नहीं कि उनके बारे में बोले। पब्लिक हमसे बार बार गाने की डिमांड करता, हम कभी ना क्लेरिफाई नहीं कर सकता है। आप बताइए, कभी पवन सिंह जी ने आके बोला कि हम अनुपमा यादव शादी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कभी हमने बोला कि हम शादी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कभी हमने आपसे बोला कि हमको उनसे बहुत प्यार हो गया, उनके बिना जी नहीं पा रहे हैं? उन्होंने कभी बोला कि हम अनुपमा के बिना जी नहीं पाएंगे, प्यार नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, अच्छा, आई लव यू बोलना कहाँ तक गलत है? हम आपको बोलते हैं आई लव यू यार, गलत टू। जो कैमरे वाले भैया चला रहे हैं उनको बोल रहे हैं यार आई लव यू, क्या गलत है? भावनाओं अलग अलग होती है, सब एक है, भावनाएं अलग अलग होती है। अब जब आपको इसी चीज पे, उस दिन सुख दुख में खड़ी रहती थी, अगर आप उस इंसान के लिए आप हर सुख दुख में खड़ी रही हैं और हमेशा कोशिश की है कि नहीं, अगर मेरे झुकने से अगर रिलेशनशिप बच जाए तो भाई हम झुक जाते हैं, और वो इंसान मंच पे आपको पहचानने से अगर इनकार कर दे तो आपको कैसा लगेगा? ये सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। सुनने में आता है कि अनुपमा यादव ही शिव कुमार बिक्कू को पहचान दिलाई? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, वो अपने से है, मैं अपने से हूँ, वो अपने से है। बाकी उनका ये कहना है कि विवाद नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन उनसे उनको देख के रहा नहीं जाता है जो कुछ भी उनके बारे में बोला जाता है, चाहे वो बिक्कू बोले या फिर कोई भी बोले। अगर बिक्कू अनुपमा को कुछ भी नहीं बोलेगा या फिर कुछ भी बोलना छोड़ देगा या अम्मन जैसे उनको पोक करना छोड़ देगा तो वो भी कुछ नहीं बोलेंगे। खैर, मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये मैटर अब खत्म कर देना चाहिए, बिकॉज ये मैटर अब बहुत खिंचता हुआ चला गया है। अब दोनों को अपने अपने पर्सनल लाइफ से मतलब रखना चाहिए, ना कि एक दूसरे को पोक करने से मतलब रखना चाहिए। खैर, आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, चेंज द मैटर, गुड बाय।